हेलो चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल हैव वॉच्ड द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज 2.3 सॉल्यूशन। टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 5.3 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स सी, फर्स्ट पार्ट इज फाइंड द क्वोशेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन इज 81a² - 4 डिवाइड बाय 9a+2। ये आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए अब आपको बायनोमियल डिवाइड बाय बायनोमियल गिवन है। अब इसके लिए हम कैसे करेंगे, 9a+2 डिवाइड बाय, देखिए डिवाइड के राइट हैंड साइड में जो होता है वो आप लेते हो एज अ डिवाइजर, और जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है वो डिविडेंड होता है। 81a² - 4 ये मैंने किस लिए बताया, आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये भी कोई बताने की बात है, ये सबको पता होता है, लेकिन बेटा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता है कि कौन सा कहां पे नोट करते हैं, वो इसको यहां पे नोट करके, इसको यहां पे नोट करके वो डिवाइड करने लग जाते हैं, फिर वो आंसर आता ही नहीं है। अब देखिए इसको कैसे डिवाइड करेंगे हम। नाउ जो आपके पास डिवाइजर में जिसके साथ वेरिएबल है उस टर्म को आप लेंगे 9a, और जो डिविडेंड में फर्स्ट टर्म है, देखिए ये ऑलरेडी आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है पार में, अदरवाइज आपको अगर ये नहीं गिवन होता तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको नोट करते हैं। तो इसको देखिए कैसे करेंगे, 81a² डिवाइड बाय 9a, ये आपको इजीली आ जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 9 1 जा 9 9 जा, देन a बार 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये आपके पास क्या बचेगा, a बार 1, क्या बचा आपके पास 9a। जो 9a है उसको आप ये क्वेश्चन लेंगे 9a, आगे कैसे करेंगे, जो 9a आया है 9a को 9a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये फर्स्ट टर्म एज इट इज आती है 9 9 जा, या फिर मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 9a × 9a 9 9 जा 81, a² बेस सेम पार ऐड हो जाएगी, ये आपके पास आया। देन 9a को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड टर्म के साथ, 9a × 2 9 2 जा 18a, a भी है इसके साथ, ठीक है। अब देखिए यहां पे बीच में प्लस साइन था। नाउ अब आप साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करने होते हैं जब बाहर माइनस साइन होते हैं तो साइन चेंज करते हैं हम, ऐसे ही इसमें करेंगे। आप लोग एग्जाम में यही मिस्टेक करेंगे, साइन चेंज करना भूल जाएंगे। यहां पे ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, यहां इसके सामने कोई साइन नहीं है, मीन्स ये प्लस है, तो यहां पर क्या होगा, माइनस। अब देखिए 81a² और ये आपके पास माइनस का, ये वाला साइन देखना है अब, -81a² एक प्लस में है एक माइनस में है, और दोनों सेम है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहां आपके पास क्या आया, अब देखिए -4 - 18a, अब इन दोनों को मत करने लग जाना कि 18 - 4, ऐसे नहीं करना बेटा, ध्यान दो ये -18a है और ये 4 है, दोनों डिफरेंट है ना ये, तो इनको आप कैसे माइनस कर सकते हो, जो लाइक टर्म होती है उन्हीं को तो आप प्लस और माइनस करते हो ना, इनको कैसे करोगे, तो इनको आपको नहीं लिखना है। इसको कैसे करेंगे, -18a, ये माइनस का साइन लेके चलना है और इसको नहीं देखना है, जो आपने साइन किया है चेंज वो वाला लेना, -18a, उसके बाद ये -4 इसको यहां नोट करना है -4। अब -18a को आप डिवाइड करोगे डिवाइजर के फर्स्ट से जिसके पास वेरिएबल है, इससे करेंगे ए से ए कैंसिल, 9 1 जा 9 2 जा, माइनस में आएगा -2, यहां पे आपने क्या नोट किया -2, -2 को जब 9a से करेंगे 9 2 जा 18a एज इट इज, और माइनस है साइन तो माइनस, -2 × -+2 2 2 जा 4, और साइन क्या आएगा माइनस। अब
साइन चेंज करना है, डायरेक्टली इसको कट नहीं करना है, साइन चेंज करोगे प्लस, ये भी क्या आ गया प्लस, एक प्लस का एक माइनस का और दोनों बिल्कुल सेम टर्म्स है, ये कैंसिल हो गई, जीरो आ गया आंसर। तो क्वेश्चन आपको बताना था, क्वेश्चन आपके पास क्या आया, 9a-2। नाउ बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में 9x² - 36 डिवाइड बाय x-2 करना है, x-2। फर्स्ट रूल आपका क्या होगा, नाउ व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप, योर फर्स्ट स्टेप वुड बी जो फर्स्ट टर्म है डिविडेंड की उसको आप डिवाइड करेंगे डिवाइजर से, x से। तो देखिए ये आपके पास x की पावर 2 है, ये x की पावर 1 है, तो ये आपके पास क्या आएगा, x की पावर 1 आ जाएगी, क्या आया 9x, 9x आया, ये 9x को आप मल्टीप्लाई करेंगे पहले x के साथ, ये 9x² सेम आती है फर्स्ट टर्म, अगर आपने ये क्वेश्चन ठीक लिखा है तो फर्स्ट टर्म सेम होती है। नाउ वी विल मल्टीप्लाई 9x - 2, सो वी विल गेट -9 × 18x। अब देखिए ये दोनों डिफरेंट टर्म्स है, लाइक टर्म नहीं है ये, सो हम स्किन के साथ कुछ भी ना ऐड करेंगे ना माइनस करेंगे। नाउ वी विल चेंज साइन, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, आपके पास क्या आया, ये कैंसिल हो गए दोनों, एक प्लस है एक माइनस है, ये प्लस 18, अभी साइन क्या होगा प्लस 18 माइनस 36, ये हमने नोट किया। अब 18x आना चाहिए, 18x को आप डिवाइड करेंगे x के साथ, ये आपने किया तो ये हम किससे डिवाइड करते हैं, जो वेरिएबल टर्म होती है, और वेरिएबल टर्म में भी कौन सी, जो मैक्सिमम पार वाली टर्म होती है उसके साथ करते हैं हम डिवाइड। x से x कैंसिल, क्या है आपके पास 18 प्लस 18। नाउ फर्स्ट टर्म विल बी सेम, 18 × x 18x, 18 × -2 - 36। नाउ वी विल चेंज द साइन, प्लस माइनस, ये दोनों कैंसिल, क्वोशेंट विल बी 9x + 18। नाउ सी पार्ट, p-13 से आपको डिवाइड करना है, सो फर्स्ट स्टेप देखिए, 2p² को आप डिवाइड करेंगे p से, 2p² डिवाइड बाय p, यहां पे पार 2 है, यहां पे पार 1 है, तो 2-1, 1 पार बचेगी, 2p, क्या है आपके पास 2p, 2p को मल्टीप्लाई करना है अब p-13 से, 2p² फर्स्ट टर्म विल बी सेम, 2p-13 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 13 × 2 = 26p, साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज हो गए, ये कैंसिल हो गए। अब देखिए p और p ये दोनों सेम आ गए, मींस ये लाइक टर्म्स है, सो लाइक टर्म्स को हम ऐड या माइनस कर सकते हैं, ये आपके पास क्या आएगा 14 - 6 = 8, 3 - 2 = 1 p। नाउ वी विल चेक द साइन, प्लस 26, जो स्मॉलर नंबर है वो 26 है और ग्रेटर नंबर क्या है माइनस, सो आंसर में यहां क्या आएगा -18p। नाउ वी विल नोट द नेक्स्ट पार्ट, 234, अब देखिए -18p, इसको आपको डिवाइड करना है p से, p से डिवाइड किया तो p टू p कैंसिल हो गया, यू विल गेट -18, -18 × p करेंगे तो -18p, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 18 × 13 करेंगे तो 234। नाउ वी विल चेंज द साइन, प्लस माइनस, सो वी विल गेट क्वोशेंट एज 2p-18। नाउ डी पार्ट, x-4 डिवाइड करना है आपको x³ - 6x + 8x, x² ये x² है यहां पे, सो
फर्स्ट रूल आपका क्या है, जो हाईएस्ट पावर है, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब ये फर्स्ट टर्म, इसको आप डिवाइड करेंगे एक्स के साथ। जब एक्स से डिवाइड करेंगे तो यहां पे पावर वन है, टू थ्री माइनस वन करेंगे तो ये टू आ जाएगी। कैसे करते हैं इसको, ये एक्स थ्री है डिवाइड बाय एक्स है, इसकी पावर वन है। और ये रूल होता है एक्सपोनेंट एंड पार्स का कि अगर डिवाइड कर रहे हो आप और सेम बेस है तो जो पार्स है वो माइनस हो जाती है। एक्स रेस टू पार थ्री माइनस वन, यू विल गेट एक्स रेस टू पार टू। इसको हम इतना लेंदी ना करके कैसे करना है, एक्स रेस टू पार यहाँ पे वन है, यहाँ थ्री है, तो इसको कट करके मैंने इधर टू कर दिया। और माइनस करना है, ये कट नहीं करना है आपको, पार्स को माइनस करते हैं हम। सो एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर यहां पे आएगा। अब मल्टीप्लाई करिए, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर को करेंगे माइनस फोर से, माइनस फोर एक्स स्क्वायर। नाउ वी विल चेंज द साइन, साइन चेंज करेंगे तो ये आपके पास माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। सो यू विल गेट, ये कैंसिल हो गया माइनस, देखिए पार सेम है तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, प्लस माइनस, माइनस सिक्स माइनस फोर टू, टू एक्स स्क्वायर। पार को माइनस नहीं करना है, सिर्फ नंबर्स को करना है। और ग्रेटर क्या है, माइनस, सो ये माइनस आएगा। ग्रेटर नंबर सिक्स है, इसके सामने, इसके लेफ्ट साइड में साइन क्या है, माइनस, सो यहां पे भी क्या आएगा, माइनस, माइनस टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स। यहां पे पार वन है, यहां पे टू, टू माइनस वन करेंगे तो ये क्या आया, वन, माइनस टू एक्स। यहां से हमने नोट करना था प्लस एट एक्स। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म सेम आएगी, माइनस टू एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, फोर टू जा एट एक्स। नाउ वी विल चेंज साइन, दिस विल बिकम माइनस एंड दिस विल बी प्लस। सो ये दोनों आपके पास कैंसिल हो गए। योर क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। नाउ ई पार्ट, एक्स माइनस इलेवन से डिवाइड करना है। सो फर्स्ट रूल आपके पास क्या है, इसके फर्स्ट टर्म लीजिए, ये हमेशा किसमें होनी चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। एक्स क्यूब डिवाइड बाय एक्स, सो यू विल गेट, यहां पे पार वन है, ये थ्री है, थ्री माइनस वन टू, एक्स स्क्वायर। देन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास आएगा एक्स क्यूब, इलेवन से करेंगे तो माइनस इलेवन एक्स स्क्वायर। नाउ वी विल चेंज द साइन, साइन चेंज करेंगे तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। इसमें ये दोनों कैंसिल हो जाएगी, अब सेम है, ये लाइक टर्म है, कैंसिल हो गए, एक प्लस साइन था एक माइनस था। अब इसमें देखिए, प्लस इलेवन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर इलेवन, और यहां पे कुछ नहीं है, मीन्स यहां पे कोफिशियंट क्या है, वन, इलेवन प्लस वन ट्वेल्व एक्स स्क्वायर, ये ट्वेल्व एक्स स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट टर्म नोट करेंगे, माइनस वन थर्टी टू एक्स। अब ये फर्स्ट टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म लीजिए, ट्वेल्व एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स, यहां पे पार टू है, यहां पे वन है, टू माइनस वन वन बचेगी, क्या बचा है आपके पास, ट्वेल्व एक्स प्लस ट्वेल्व एक्स। नाउ वी विल मल्टीप्लाई ट्वेल्व एक्स टू एक्स एंड माइनस इलेवन। जब ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा ट्वेल्व एक्स स्क्वायर, जब आप माइनस इलेवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस थर्टी टू एक्स। नाउ वी विल चेंज साइन, प्लस माइनस, दीज टू कैंसिल एंड दीज टू आर कैंसिल। क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स। नाउ एफ पार्ट देखिए, अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसमें क्या करते हैं कि अच्छा इसमें तो बहुत सारी टर्म्स है तो इसको हम एज अ डिविडेंड लेते हैं, ये मिस्टेक करके आते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, मैंने आपको बताया था कि डिवाइड के राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन होता है
वो आप आउटसाइड द ब्रैकेट लेते हो, वो आप एज अ डिवाइजर लेते हो, प्लस 4x + 8 दिस इज डिवाइजर एंड डिविडेंड इज x^4 - 16। अब देखिए बोलेंगे ये तो बड़ा अजीब लग रहा है, कोई बात नहीं अब सोल्व करते हैं इसको, देखिए आएगा आंसर x³ और ये क्या है x⁴। आपको सिर्फ कौन सी देखनी है जो यहाँ पे ग्रेटर पार है, x^4 / x^3। 4 - 3 क्या आएगा आपके पास 1। x आया यहाँ पे, x से मल्टीप्लाई करिए, x⁴ + 2x। अब देखिए x² से जब x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आएगा ये आपके पास, देन प्लस 4x को जब x से करेंगे तो 4x² 8x को करेंगे x के साथ तो +8x। ओके अब देखिए इसमें साइन चेंज करने हैं आपको, साइन चेंज किया ये हमने, अब नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा ये दोनों कैंसिल, यहां से क्या आया -2x³ - 4x² - 8x। नाउ यू विल डिवाइड -2x³ / x³। जब आप इनको माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो गए, क्या बचा आपके पास -2, ये -2 बचा यहां पे। अब इसको -2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये क्या आएगा -2x³ - 2 को किया 2x² के साथ, 2 × 2 = 4 ±-4x², फिर आपने इसके साथ किया +4x × -2 ±-4 × 2 = 8x। नाउ वी विल मल्टीप्लाई इट बाय +8। यहां पे देखिए -16 था, -16 ये भी आपको नोट करना है, -16 ये भी नोट करना है। सो यू विल गेट 8 × -2 करेंगे -8 × 2 = 16। नाउ वी विल चेंज साइन, साइन चेंज करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा +++। अब देखिए लाइक टर्म्स से सारी और अपोजिट साइन है सो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा 0 एंड क्वेश्चन इज x-2। नाउ जी पार्ट में देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट आ गया है, दो ब्रैकेट यहां पे आ गए हैं तो इसमें आप ऐसे लॉन्ग डिवीजन वाला डिवाइड मत करके देखना, इसमें नॉर्मल वाला करेंगे हम m n m+5 n-4। फर्स्ट वी विल राइट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन m n - 4 m। अब देखिए कुछ कॉमन इसमें आ रहा है, इस वाले में कुछ कॉमन नहीं है, डिनोमिनेटर में देखिए कॉमन आएगा m n m+5 n-4 / यहां से m कॉमन आएगा, m आपने कॉमन लिया n-4। अब देखिए m से m कैंसिल हो गया, n-4 से n-4 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आया n × m+5। दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट पार्ट x-1, इसको आपको डिवाइड करना है। तो देखिए अब आप बोलेंगे कि आपको कैसे पता चला कि ऐसे डिवाइड होगा, इसमें देखिए बच्चे जब x^4 और यहां पे क्या है x मींस इसमें जो पहले हमने क्वेश्चन किया था उसमें ना तो ब्रैकेट था पहले उसमें, सॉरी देखिए आप बोलेंगे कि आपको कैसे पता चला कि ये वाला होगा, इसमें पार देखिए डिविडेंड की x^4 है, यहां पे क्या है x है, कितना डिफरेंस है। दूसरा क्या इससे जो पहले हमने क्वेश्चन किया था जी पार्ट उसके अंदर 2 ब्रैकेट्स थे, अगर 2 ब्रैकेट्स ऐसे हो तो क्या पॉसिबल ऐसे डिवाइड करना, नहीं तो तब पॉसिबल नहीं होता, इसलिए
हमने उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में किया था और इसको ऐसे किया था। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन जब आप फैक्टराइज वाला चैप्टर कर लोगे तब आप इसको इजिली डिवाइड कर पाओगे, ठीक है। जब फैक्टराइज वाला क्वेश्चन, जब फैक्टराइज वाली एक्सरसाइज हो जाएगी तब आपको ये समझ आ जाएगा कि ये क्वेश्चन फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे होगा। ओके, सो देखिए, एक्स रेस टू पावर फोर डिवाइड बाय एक्स, यहां पे पावर वन है, फोर माइनस वन थ्री हो जाएगी, एक्स रेस टू पावर थ्री। अब मल्टीप्लाई करिए, एक्स रेस टू पावर फोर माइनस एक्स रेस टू पावर थ्री, वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, ये साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस, फर्स्ट टर्म कैंसिल हो गई, ये यहां पे आपके पास क्या आया, एक्स क्यूब प्लस का है ये आपके पास, और यहां क्या है, माइनस वन। अब डिवाइड करिए, एक्स क्यूब डिवाइड बाय एक्स, यू विल गेट एक्स रेस टू पावर टू प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स क्यूब को आप डिवाइड करेंगे, नेक्स्ट क्या होगा, एक्स स्क्वायर को एक्स से आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आएगा एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर को वन से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन चेंज करिए, अब इसमें ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये दोनों कैंसिल, यहां पे आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। नाउ एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे एक्स के साथ, यहाँ x की पावर टू है, यहाँ पे वन है, तो क्या आया, x की पावर वन प्लस x, x स्क्वायर, x को जब वन के साथ किया तो माइनस x। नाउ अगेन वी विल चेंज साइन, सो फर्स्ट कैंसिल हो गई, ये यहाँ पे क्या आया, x माइनस वन। अब आप डिवाइड करेंगे x को x के साथ, तो यहां पे आपके पास क्या आएगा, अब बोलोगे यहां तो कुछ नहीं आया, कुछ नहीं होता, वहां पे वन होता है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, यहां पे क्या आया, वन प्लस वन, एक्स माइनस वन। नाउ वी विल चेंज साइन, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल, क्वेश्चन विल बी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। नाउ फोर्थ पार्ट, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर, डिवाइड करना है आपको, डिवाइड आपने जो थर्ड क्वेश्चन किया है उससे कुछ तो समझ आया होगा, और देखिए कुछ इससे समझते हैं, एक्स रेस टू पावर फोर है ये, एक्स रेस टू पावर फोर को डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर से, सो यू विल गेट, यहां पे फोर है, फोर माइनस टू क्या बचेगा, टू, एक्स रेस टू पावर टू। अब एक्स रेस टू पावर टू को आप मल्टीप्लाई करेंगे तीनों टर्म्स के साथ, इनके साथ, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स रेस टू पावर फोर, एक्स स्क्वायर को थ्री एक्स से करेंगे तो प्लस थ्री एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर को टू के साथ करेंगे तो प्लस टू एक्स स्क्वायर। नाउ वी विल चेंज साइन, साइन चेंज करना है, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गए। अब यहां पे देखिए, सिक्स एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स क्यूब क्या आएगा, थ्री एक्स क्यूब, ग्रेटर नंबर सिक्स कौन सा है, प्लस का, तो ये भी क्या आएगा, प्लस। अब इसमें देखिए, थर्टीन माइनस टू इलेवन एक्स स्क्वायर प्लस फिफ्टीन एक्स, अब इसको नोट कर लिया हमने, अब डिवाइड करना है आपको, थ्री एक्स क्यूब डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, यहां से टू माइनस करोगे तो ये आपके पास क्या आएगा, वन, थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स, थ्री एक्स के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, अब एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू को, तो ये आपके पास क्या आएगा, थ्री एक्स क्यूब, फर्स्ट टर्म के साथ करेंगे तो थ्री एक्स क्यूब, सेकेंड के साथ करिए, थ्री थ्री जा नाइन एक्स स्क्वायर, नाइन एक्स स्क्वायर, देन टू के साथ करिए, थ्री टू जा सिक्स एक्स। नाउ वी विल चेंज साइन,
माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गई फर्स्ट टर्म, ये यहां से आपके पास क्या आया, टू एक्स स्क्वायर प्लस, ग्रेटर नंबर प्लस नाइन है ये, इलेवन है, यहां पे ग्रेटर नंबर फिफ्टीन है तो प्लस आएगा फिफ्टीन, फिफ्टीन माइनस सिक्स नाइन एक्स। नाउ नेक्स्ट आप नोट करेंगे माइनस वन, अब आप टू एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा आपके पास टू, जब टू से करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा इधर प्लस टू, अब टू को इसके साथ करिए मल्टीप्लाई, टू एक्स स्क्वायर देन थ्री टू जा सिक्स एक्स प्लस फोर, नाउ वी विल चेंज साइन, माइनस माइनस माइनस, ये क्या आ गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, नाइन माइनस सिक्स थ्री एक्स, माइनस माइनस प्लस माइनस फाइव, फोर प्लस वन फाइव, सेम साइन थे सामने माइनस था, सो यहां पे आप अपने आप से नोट कर देना क्वेश्चन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू एंड रिमाइंडर इज थ्री एक्स माइनस फाइव। नाउ नेक्स्ट बी पार्ट डिवाइड करना है, सेम लेंगे हम, ये डिक्रीजिंग पार है सारी, सिक्सटीन पी फोर डिवाइड बाय टू पी स्क्वायर, टू वन जा टू एट जा एट, यहां पे पार टू है यहां पे फोर है, फोर माइनस टू टू आएगी पार, पी एट पी रेस टू पार टू, ये हमने इधर नोट किया, देन मल्टीप्लाई सिक्सटीन पी फोर एट प्लस एट पी क्यूब, यहां पे पी है यहां पे पी स्क्वायर है तो पार ऐड हो जाएगी वन प्लस टू थ्री, देन माइनस एट पी स्क्वायर, नाउ वी विल चेंज द साइन, प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये आपके पास क्या आया, ये आपके पास आया ट्वेंटी माइनस एट ट्वेल्व पी क्यूब एंड ग्रेटर नंबर इज ट्वेंटी, तो यहां पे प्लस साइन आएगा, इधर देखिए टेन माइनस एट टू पी स्क्वायर, अब साइन देखते हैं, ये प्लस साइन है एक माइनस है, ग्रेटर नंबर टेन है इसके सामने माइनस है तो ये माइनस, देन एट पी, अब ट्वेल्व पी क्यूब को आपको डिवाइड करना है टू पी स्क्वायर से, टू वन जा टू सिक्स जा, अब इसको माइनस करेंगे हम, ये पार माइनस टू करेंगे तो कितनी आई पी आई आपके पास सिक्स पी, अब सिक्स पी को मल्टीप्लाई करिए इसके साथ तो आपके पास आएगा सिक्स टू जा ट्वेल्व पी क्यूब प्लस सिक्स पी स्क्वायर माइनस सिक्स पी, नाउ वी विल चेंज साइन, प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, यहां पे क्या आया माइनस एट पी स्क्वायर, यहां पे माइनस टू पी प्लस टू बचा है वो भी हमने नोट कर लिया, प्लस टू, अब ये आपके पास क्या आना चाहिए माइनस एट पी स्क्वायर डिवाइड बाय करोगे टू पी स्क्वायर टू पी स्क्वायर कैंसिल, टू वन जा टू फोर जा माइनस फोर, नाउ माइनस फोर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एट पी स्क्वायर माइनस फोर पी प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस फोर, नाउ वी विल चेंज साइन, माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल हो गया, यहां से आपके पास क्या आया माइनस टू पी प्लस फोर पी प्लस माइनस माइनस, फोर माइनस टू टू पी, यहां पे प्लस माइनस 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 टू, दिस इज योर आंसर, रिमाइंडर टू पी माइनस टू एंड क्वोशेंट एट पी स्क्वायर प्लस सिक्स पी माइनस फोर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज टू एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस टेन, इफ ब्रेथ इज एक्स माइनस टू देन फाइंड लेंथ,
एरिया गिवन है, ब्रेथ गिवन है, आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2x² - 9x + 10 एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x - 2. नाउ जो गिवन होता है उसी का हम फॉर्मूला नोट करते हैं. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ. एरिया गिवन है 2x² - 9x + 10 इक्वल टू लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है एंड ब्रेथ इज x - 2. अब ये लेंथ इसके साथ मल्टीप्लाई है, जब x - 2 को आप ट्रांसपोज करोगे सो ये डिवाइड हो जाएगा. क्या आएगा? 2x² - 9x + 10 डिवाइड बाय x - 2 दैट विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल. दिस इज योर रिक्वायर्ड स्टेटमेंट. नाउ आप इनको डिवाइड भी करेंगे, डिवाइड करके दिखाना है अब आपको ये. ओके, नाउ वी विल डिवाइड दिस x - 2. आप डिवाइड करेंगे 2x² को x से, तो ये आपके पास क्या आएगा, x2x. यहां पे पार 1 है, 2 - 1 बचेगी पार. क्या है आपके पास? 2x. देन मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 = 4x - 4x. ये साइन चेंज करेंगे, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा. फर्स्ट ये दोनों टर्म कैंसिल, यहां पे क्या आया? -5x + 10. अब -5x आना चाहिए, -5x डिवाइड बाय x, x से x कैंसिल, क्या आया? -5 को 2 से करेंगे तो +10. साइन चेंज करेंगे, क्या आ गया? 0. और आपको कौन क्या चाहिए? 2x - 5, जो डिवाइड करके क्वेश्चन आपके पास आया, दैट इज लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 2x - 5. नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द सम ऑफ 3x² - 2x + 9 एंड द क्वेश्चन ऑफ. अब देखिए इसमें समझने की बात क्या है कि जो आप इनको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन आएगा वो और इनको डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन आएगा वो और ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है इनका सम करना है आपको. सो देखिए कैसे करेंगे. पहले हम डिवाइड करते हैं, ठीक है. एक्स वाई जी, एक्स प्लस वाई, y प्लस जी, जी प्लस एक्स डिवाइड बाय, डिवाइड करना है इससे आपको x² + xyz. अब इसमें देखिए अगर कुछ कॉमन आता है तो कॉमन देखिए, डिनोमिनेटर में कॉमन है, कॉमन फाइंड आउट करेंगे. ये एज इट इज रहेगा न्यूमरेटर, इसमें कोई चेंज नहीं करना है. यहां से कॉमन क्या आया? मिनिमम पार आएगी. x की पार यहां पे 1 है दोनों जगह, y की 2 है, तो मिनिमम क्या होगी? y की पार 1. तो x y कॉमन आ गया, यहां पे क्या बचा? y. यहां पे क्या बचेगा? x y बाहर आ गया तो z. अब देखिए ये कैंसिल हो गया, x y से x y कैंसिल हो गया. कोशेंट क्या आया? कोशेंट इक्वल टू z इंटू एक्स प्लस वाई. देखिए आजकल इसको जेड नहीं बोलते हैं, सब इसको जी बोलने लगे हैं. जी प्लस एक्स ये क्वेश्चन है. इसमें आपको ऐड क्या करना है? 3x² - 2x + 9 ये आपको ऐड करना है. तो यहां पे आप लिखिए सम इक्वल टू, अब इसको देखिए कैसे करेंगे, z इंटू एक्स प्लस वाई इंटू जी प्लस एक्स प्लस 3x² - 2x + 9.
नाउ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास क्या आएगा, z को करेंगे तो z x प्लस z y, फिर इसको मल्टीप्लाई फिर से करना पड़ेगा आपको, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9। नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो, जी एक्स को जब z से करेंगे तो ये क्या आएगा, एक्स जी स्क्वायर, जी एक्स को x के साथ करेंगे तो जी एक्स स्क्वायर, फिर आपको करना है जी वाई को z के साथ, ये आएगा जी स्क्वायर वाई प्लस x के साथ करेंगे तो एक्स वाई जी प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9। दिस इज योर आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।